बात ये है कि वो कॉल जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे आपके पास कॉल आती रहेगी, आप संतुष्ट हैं तो कार्रवाई होगी या नहीं। और छठी बात ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है ये कि जैसे आप कॉल करते हैं तो उसकी आप आपने कंप्यूटर से देखा होगा किसी कॉपी कर लेते हैं पेन ड्राइव लगा कर तो आपकी जो कॉल रिकॉर्ड कोई नहीं कर सकता, केवल उस महिला अधिकारी के पास जल्दी से उस सॉफ्टवेयर से आपका कोई भी डाटा चोरी नहीं कर सकता ना कॉपी हो सकता। ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है। उसके बाद अगली सीजन का आप है उसका उद्घाटन किया है और वो बहुत ही कारगर है क्योंकि वो 1090 से भी आगे बढ़ते हैं। 1090 में आपके साथ कहीं कोई बढ़ता व्यवहार होता है, कोई आपके घरेलू उत्पीड़न होता है, उसकी कॉल करते हैं। कि आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ तो मैं क्या करूँ? एक आप उनको सहायता दे सकें और आप उनको सलाह दे सकें कि आप 181 या 1090 को आप डायल कर सकते हैं जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 181 आपके पिता ने 4 पैसे कमाए जरूर होंगे लेकिन अगर आपकी माँ ने मेहनत नहीं करी होती घर में नहीं कर पाता। लेकिन कभी भी माँ के महत्व को लोग उतना स्वीकार नहीं करते जितना स्वीकार करना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। फिर वो लड़की जब शादी की योग्य होती है फिर उसको मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पाता है, वो अपने माँ बाप पे निर्भर है, माँ बाप जिसके संग बांध दिए उसके संग वो जाने को मजबूर हो जाती है। दहेज का दाना उस तरह का है कि वो बेटियों की तरक्की में बाधक है। कई योग्य लड़कियां ऐसे अयोग्य वर के साथ बात दी जाती हैं और फिर उनका पूरा जीवन अंधकार में हो जाता है। उसके बाद कई बार कई घरों में दहेज के लिए प्रताड़ना है, रोज के ताने हैं और पति अगर शराबी निकल गया तो रोज मार पिटाई और बच्चों की मार पिटाई अलग से। आपको इतना कहने का मतलब मेरा यही है कि नारी शक्ति बहुत ही प्रताड़ित है। आप क्योंकि योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो न केवल आपको अपने अंदर मजबूती लानी है बल्कि आपके समाज की लड़कियों को भी मजबूत और जागरूक करना है। इसीलिए आपको चुना गया है कि आपके सामने ये सब बातें कही जाए। इस बात से सहमत है या नहीं है? इस माटी की लड़कियों ने अंतरिक्ष में अपना परचम बुलंद किया है। इसी भारतीय मूल की महिलाओं ने अंतरिक्ष में कल्पना चावला का नाम ले लीजिए, कल्पना चावला जी, कर्ण मल्लेश्वरी जी, लता मंगेशकर जी, ये सब इसी भारत भूमि की मिट्टी से जन्मी वो पैर हैं जो पूरे इस महान देश का यश और गौरव पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहना है मेरी बहनों, अपने अंदर मजबूती लाओ, अपने अंदर वो योग्यता लाओ, अपना रोल मॉडल बनाओ। कहिए जो महान औरतें हैं इस देश की उनको रोल मॉडल बनाइए। अपने अंदर की कमियों को निरंतर दूर करना है आपको। शर्म संकोच एक महिला का आभूषण है, बात सत्य है, लेकिन वह शर्म और संकोच आपको कायर न बना देगा। वह शर्म और संकोच आपको अपने खुद के अधिकारों से वंचित न कर दे कहीं। इसमें आपको सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है बहनों। आपकी जुबान तभी रह जाती है, आपके साथ तरह तरह की यात्राएं होती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अपने बहन जितनी बहन बेटियां हमारी बैठी हैं उनके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन पुलिस में रहने के नाते हम लोगों का अनुभव है कि कई बार लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं।
और वही यौन शोषण करने वाला कोई और नहीं, घर में भी कोई होता है जो रिश्तेदार होता है। बड़े शर्म की बात है, ये समाज की बहुत बड़ी संकीर्णता है, यह बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। लेकिन कई लड़कियां इस चीज को कह नहीं पाती और लड़की के साथ हुई कोई भी घटना वो भूलती नहीं है। पुरुष हूं लेकिन शायद महिला का मैं मन समझ पाता हूं, जो मैंने स्टडी किया है वो तो मैं उस हिसाब से कहता हूं, जो मैंने पढ़ाई की है, जो शोध किए हैं। कोई भी लड़की अपने साथ हुए किसी भी दुराचार को, घटना को, वह जीवन नहीं भुला पाती है। क्या यह सच है कि नहीं? और वो घटना अच्छा लग रहा है सुन के? बाबा बोलना, भगवान को थैंक करने के बाद प्रेयर करने के बाद ये बोलना और एक पैराग्राफ पढ़ना जोर जोर से, या फिर कोई गाना गुनगुनाना, रोज का ही बना लीजिए। कोई श्लोक आपको याद है वो बोलिए, लेकिन डेली का ही काम बताइए। सभी को एसपी का व्हाट्सएप नंबर पता होगा, प्रशासनिक अधिकारियों का पता होगा, आपकी प्रधानाचार्य के माध्यम से बताइएगा। लेकिन उसको खुद खुद के सहने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन अमूल्य है, कीमती है। भगवान ने आपको चमकने के लिए भेजा है, शाइन करने के लिए भेजा है। दूसरी बात, आपको अपने को मजबूत करना, उसके लिए मैंने कहा शरीर मन और वाणी। शरीर पर ध्यान दीजिए, मन पे भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इग्नोर कर रहे हैं आजकल, पैसे के दौर में दौड़ रहे हैं वो, और उनके जीवन की गुणवत्ता आप देखेंगे तो उनका जीवन बिल्कुल कुछ से भी बदहाल जीवन है। उनको रात में नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। हमेशा देने के बारे में सोचना है, लेने के लिए नहीं। परहित के बारे में सोचिए, सेवा के बारे में सोचिए। वह शक्ति हमें जो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जावे। यह प्रार्थना शायद यहां भी कही जाती हो, हमने यही प्रार्थना पढ़ी है प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, यही प्रार्थना थी। जूनियर हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था, यही प्रार्थना मैंने पढ़ी है। उसका महत्व आज समझ में आता है, नहीं तो ऐसे बस डरते रहते थे कि कहीं प्रार्थना कहने के लिए ना बुला गया इतने संकोची और शर्मीले जो ज्यादातर होते हैं। परहित और पर सेवा, देने के लिए कराते थे, गिव मोर टेक लेस, आपको इतनी खुशी मिलेगी, कितनी मदद की थैंक यू बोलो ना। गिरी की माने कहीं मन कहा ना, इन तीनों में मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कभी सुना होगा मन के हारे हार है मन की जीत। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रेष्ट, मन ही मन को जानता, मन ही मन का मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे मन ही मन का मीत, मन घूमे मन बावरा मन की ऐसी रीत, मन के हारे हार है मन के जीत। सारा गेम मन का है, सारा खेल किसका है? मन का है। और मन से तन प्रभावित होता है। आप देखिए, कई लोग ये दावा कर रहे होंगे कि वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, लेकिन अभी जांच कराइए तो पता चलेगा कोई मानसिक रोगी है वो। यह मानसिक रोग किसी किसी में 100% होता है तो पागलखाने में भर्ती होता है, लेकिन 10% 20% से ज्यादा कई मानसिक रोगी आपके समाज में मिलेंगे। उनका मन हीन भावना से ग्रसित है, उनका मन नकारात्मकता से भरा हुआ है। ये बात सच है कि नहीं सच है? गांव में जाइए, अभी देखिए
कोई व्हाट्सएप नहीं रहेगा, लेकिन एक जगह की खबर दूसरे गांव के कोने तक पहुंचती है, पहुंचती है नहीं पहुंचती है। यहाँ पे यूट्यूब पर डालते हैं, एक अलाव जलाते हैं और पूरे गांव की खबर बताते हैं। दुआएं देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं और ये प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी आपको दिक्कत होगी तो ये एसपी आपका भाई बनकर आपके साथ खड़ा मिलेगा। और यत्र नारियस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों को सम्मान है वहां पे देवता निवास करते हैं। बहनों, इसको हमेशा याद रखें। नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।